सीबीआई की जज जांच मान ली है और यही मांग थी। अब सुपरविजन तो हाईकोर्ट की अपने आप ही हो जाती, सीबीआई भी जाती है। सीबीआई जो मुद्दे उठे हैं उसे पता देगी, तय तक जाएगी, जांच होगी कि क्या कारण थे, आया पॉलिटिकल रन था और कोई कारण था, व्यक्तिगत था, सब बताएंगे। क्योंकि इस बात की भी जांच होगी, जब इसे कहा उन्होंने कि भाई सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई। गृहमंत्री ने भी बोल दिया था सर, सुरक्षित श्रेणी में इस समय आ चुका है। बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंता व्यक्त हमने कॉल अटेंशन के माध्यम से हमने अविश्वास प्रस्ताव देकर उसमें हमने करने का काम किया था कि आज के समय में ना किसान सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना बहन बेटियाँ, और इसमें जो है लगातार क्राइम अगेन बढ़ता जा रहा है। और अति बहस के बाद जो इस पर चिंता व्यक्त की गई, माननीय प्रदेश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने सीबीआई जांच के जो आदेश, उन्होंने कहा है कि मैं इसकी मंजूर करता हूँ, होनी चाहिए। प्रदेश में सुरक्षा पूरी तरह से हर आम जनमानस को मिलनी चाहिए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जब उन्होंने 2014 तक के आंकड़े बताए, तो एनसीआरबी के जो हमने आंकड़े जो हैं 2022 तक के भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिग्नेचर्स के साथ में वो रिपोर्ट जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दी है कि चिंता का विषय है, इसमें आम जनमानस को भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैडम, आप लोग जैसे सदन में लगातार मांग उठा रहे सीबीआई की, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक मामले लगातार चुप जाते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था पर हमने मांग की है तो सत्ता पक्ष को भी उठकर जो है, एक चुने हुए व्यक्ति, एक पार्टी के अध्यक्ष का मर्डर हो गया, सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। ये उनकी चुप्पी जो है प्रदेश पर बहुत भारी पड़ेगी। उनकी चुप्पी की वजह से आज जो है उनको भी ये बात उठानी चाहिए, अपने कॉल अटेंशन लगाएं, प्रश्न लगाएं कि जो इस समय कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इस पर तो सभी को ही सहमति जतानी चाहिए थी कि सीबीआई की जांच जो है वो होनी चाहिए। उनको ज़रूर बोलना चाहिए था कि आज जो प्रदेश में पिछले दिनों आपने देखा गोहाना में माथुराम जो जलेबी वाले हैं उनके ऊपर हुआ, सांपला में व्यापारियों पर हुआ, झज्जर में हुआ, जगह जगह हो रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो चिंता का विषय। इसमें सभी को मिलकर, हमने शुरू में ही कहा ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ना ही हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हमने कानून काम रोको प्रस्ताव दिया है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सभी को सुरक्षा इसमें सुनिश्चित करने का काम प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैडम, आप सीबीआई की जाँच से देखिए, सीबीआई की जाँच हो रही है, कम से कम सीबीआई की जाँच सिटिंग जज से होगी और जल्दी से जल्दी है। हमारे विधानसभा में जितनी भी जाँच कमेटी बिठाई गई है, चाहे वो घोटालों पर हो या पिछले दिनों मैंने कहना चाहती जो झूठे एलिगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाए गए, उसकी कमेटी के पास रिपोर्ट आ चुकी है क्योंकि वो मामला झूठा। मतलब हम चाहते हैं जो भी जांच कमेटी बिठाई जाए तुरंत उसकी जांच भी आनी चाहिए और वाकई ही न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म का पालन करते हुए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों को जो है दूसरे विभागों में लगा दिया गया है, कानून व्यवस्था इसलिए भी चरमराई हुई है। पुलिस प्रशासन जो है दूसरे काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी इसको हल्के में कि उनको थानों में जो है वो यूरिया बांटने के लिए लगा दिया गया था, खाद बांटने में उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन को चुस्ती दुरुस्ती के साथ में खड़े होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से देखने का काम करना चाहिए। और जो इस तरह की दिन रात हत्या हो रही है, इससे हमारे प्रदेश में ना निवेश आएगा और यहाँ से इसीलिए जो है बच्चे भी, पढ़े लिखे बच्चे भी डंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।